हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लाइव एक वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, जो कि अलाइनमेंट रिलेटेड है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे गियरबॉक्स है और वो गियरबॉक्स का पुली है दोस्तों, उसका अलाइनमेंट हो चुका है। कोई फिटर ने इसका अलाइनमेंट किया है दोस्तों, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो फ्रूट कपलिंग है ना दोस्तों, इसका जो फ्रूट कपलिंग है और इसका जो मोटर है, इसका अलाइनमेंट फ्रूट कपलिंग ऑलरेडी उसने डाल दिया था और इसका अलाइनमेंट किया है, लेकिन इसका ऑफसेट अलाइनमेंट है, ठीक है ना। इसका ऑफसेट अलाइनमेंट है और अलाइनमेंट इसका सही नहीं है, अलाइनमेंट 3-4 mm का डिफरेंस आ रहा था। तो आज मैं इसी को करने के लिए आया हूँ। इसका अलाइनमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब कि डायल गेज बांधा हूँ और डायल गेज में टॉप में, यानी ये 0 डिग्री में इसको हम 0 कर लेता हूँ। और इसका प्रेशर जो है 4-5 है, इसका प्रेशर है वो 4-5 है, ठीक है। तो अब हम 90 डिग्री पे इसको रोटेट करके लेकर जाएंगे। ये रहा 90 डिग्री दोस्तों, वो 90 डिग्री में हमारा आ रहा है रीडिंग 0.7 प्लस में है दोस्तों, ठीक है, यह प्लस में आ रहा है 0.7। अब हम 180 डिग्री पे लेकर जाएंगे दोस्तों। तो 180 डिग्री पे भी आप रीडिंग देख सकते हैं, यहाँ पे ये माइनस में आ रहा है 0.1, यह माइनस में 0.1 आ रहा है। और हम 270 डिग्री पे इसको मूवमेंट करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं मूवमेंट हो गया है। अब इसका हम रीडिंग देखेंगे कितना आ रहा है, 270 डिग्री में इसका रीडिंग आ रहा है 2.4, ठीक है दोस्तों, 2.4 माइनस में है, ठीक है ना। तो आज इसका हमको, मतलब इसका अलाइनमेंट करना है। और आपको मैं बता दूं कि ये, मतलब कि 2-3 mm में किस तरह से किया हुआ था अलाइनमेंट दोस्तों। ये जो गैप दिख रहा है ना आपको, यह जो गैप है, ये गैप एक साइड में, ये जो 270 जो डिग्री है ना दोस्तों, यहाँ पे 270 डिग्री में इसका क्लियरेंस बिल्कुल ही कम था, मतलब ये पूरा सटा हुआ था, ठीक है। और इधर आपको 90 डिग्री में जो गैप था, ये पूरा, मतलब आपको करीबन 3-4 mm के समथिंग गैप था इधर, ठीक है ना। यानी यह मोटर जो है वो बिल्कुल ही अलाइनमेंट नहीं हुआ था। इसका टॉप बॉटम के लिए सिम खाली इंस्टॉल किया हुआ है और इसी पे बोल्ट टाइट मार के ये छोड़ दिया गया था, ठीक है ना। तो मैं आया, मेरे को इंजीनियर लोग बोला कि एक बार उसका अलाइनमेंट चेक कर लीजिए। तो मैं आज इसका अलाइनमेंट चेक करने के लिए आया हूँ, यहाँ पर आया हूँ। तो आपको एक और बात दिखा दूँ दोस्तों, कि इस होल में आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इस होल में, मतलब कि यह स्लॉटिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये भी स्लॉटिंग करना पड़ेगा और इसका जो बैक साइड का जो होल है ये भी स्लॉटिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यह स्लॉटिंग करना पड़ेगा। और इसको मैं विदाउट बोल्ट का, मतलब पूरा बोल्ट, चारों बोल्ट इसका निकाल दिया हूँ। और निकालने के बाद से, इसका चारों बोल्ट मैं निकाल दिया हूँ, निकालने के बाद से देख सकते हैं इसका भी बोल्ट निकाल दिया हूँ, इसका भी बोल्ट निकाल दिया हूँ दोस्तों, और उस साइड में भी बोल्ट इसका निकाल दिया हूँ। और निकालने के बाद से मैं इसका अलाइनमेंट मोटा मोटी करके रखा हूँ, जो कि आप देख सकते हैं डायल गेज में भी आपको मैं दिखाया हूँ, ठीक है ना। इसका अलाइनमेंट करके रखा हूँ, यानी रफली अलाइनमेंट। अभी क्या है इसको, ये देखिए, मैं बेज लगा कर एक, मतलब कि उधर पुश करके रखा हूँ कि ये कितना डिफरेंस आ रहा है और कितना, मतलब इसको स्लॉटिंग करना पड़ेगा, उस चीज़ को मैं इंजीनियर लोग से चेक करा के और इसका स्लॉटिंग करा सकूँ दोस्तों, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं, एक हमारा साहब आया था जो कि चेक करके, और उसको मैं समझा दिया, वो बताया ऐसे ऐसे, तो बोला कि स्लॉटिंग आप कर सकते हैं इसका, स्लॉटिंग करके और इसका अलाइनमेंट हमको 0 करके दे दीजिए, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी इसका क्या है कि इसका अलाइनमेंट करना है और इसको स्लॉटिंग कराना पड़ेगा दोस्तों। फर्स्ट इसका 3 लेग में स्लॉटिंग है दोस्तों, ठीक है ना।
यह देख सकते हैं, इधर का भी बोल्ट मैं निकाल दिया हूँ और ये लेग में भी स्लॉटिंग है। ओके, और इसमें नहीं है स्लॉटिंग, ठीक है ना, ये पूरा बिल्कुल जीरो है, मतलब बराबर है दोस्तों, ठीक है। और इसको इधर हम सीजल लगा के मतलब स्टॉप करके रखे हैं ताकि हमारा इधर ना आए, ठीक है ना। और इसका मैं कल ये फ्रूट कपलिंग में कल का ऑयल फिल किया हूँ, ये फ्रूट कपलिंग का कल ऑयल फिल किया और आज इसका अलाइनमेंट चेक कर रहा हूँ। और दोस्तों आपसे एक बात बता दूँ कि ये जो लाइव वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, ये बनाने का मेरा यही मकसद है, कोई भी आदमी मतलब मेल एंड फिटर या कोई भी टेक्नीशियन देख रहा है इस वीडियो को, तो प्लीज़ इस टाइप से काम ना करें। कहीं भी जाके, कहीं भी किसी भी प्लांट में जाएं, कोई भी काम करें उसको फाइनल कर दें और उसको चेक ज़रूर कराएं दोस्तों, ठीक है ना। आज इसका इस जो मोटर है इसका आज ट्रायलिंग था, मतलब इसका ट्रायल लेना था दोस्तों, ठीक है ना। तो कल मैं गियरबॉक्स में और इस फ्रूट कपलिंग में ऑयल फिल कर दिया, आज इसको ट्रायलिंग में देना था। तो इसके वजह से बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम कंपनी को मतलब बहुत नुकसान जा रहा है, मतलब कि आज ये ट्रायल था, आज ट्रायल नहीं हो पाया दोस्तों, ठीक है। इसके वजह से बहुत मतलब इंजीनियर लोग भी जो था वो लोग को बहुत प्रॉब्लम हुआ, और बड़े साहब जो रहते हैं वो तो बोलेंगे ही, ठीक है ना। तो आप इसका देखिए, यहाँ पे जो एलन बोल्ट आता है, यहाँ पे एलन बोल्ट रहता है, वो एलन बोल्ट भी नहीं है। मैं अपने तरफ से एक बोल्ट लगा के नट बोल्ट इसको टाइट करके इसका गैप जो है पूरा बिल्कुल जीरो करके इसमें एक ग्रुप रहता है, उस ग्रुप में पूरा इसको टच कर दिया गया और फुल टाइट मार दिया हूँ दोस्तों। इसमें मिनिमम मैं 4 बोल्ट डाला हूँ और यह 8 बोल्ट का है, एलन बोल्ट लगेगा। तो इसको खाली मतलब रफली अलाइनमेंट करने के लिए एक कि हमारा किस पोजिशन पर हो रहा है, यह अलाइनमेंट परफेक्ट है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए खाली मैं इस तरह से किया हूँ दोस्तों, ठीक है। अब ये एलन बोल्ट इसका अपने पास अवेलेबल नहीं है, अपने कंपनी में अवेलेबल नहीं है, वो कहीं से लेके आएगा वो लोग, फिर इसमें डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो और एक आपको बात बता दूँ दोस्तों कि जो भी मतलब काम करें, जो भी फिटर लोग काम करें, या अलाइनमेंट हो या एरेक्शन हो या कोई भी इक्विपमेंट का आप काम कर रहे हैं, तो प्लीज उसका पूरा काम करें और अच्छा से करें ताकि दूसरे को प्रॉब्लम ना हो और दूसरा आदमी को कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। आपसे दोस्तों ये रिक्वेस्ट है, और मेरा ये जो वीडियो है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और आगे इस वीडियो को बढ़ाइए ताकि हमको भी कुछ हेल्पफुल लगे और हम जाने समझे कि हमारा मतलब वीडियो बहुत आगे तक चल रहा है और वीडियो हमारा पूरा पब्लिक देख रहा है, ठीक है। आपका प्यार मिले, ठीक है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही बताएंगे, और इसका जब हम फाइनल अलाइनमेंट करेंगे दोस्तों, तो इसको किस तरह से लेफ़्ट राइट या राइट से लेफ़्ट किस तरह से लेना है और कितना किधर हमको पुश करना है, उसके विषय में एक और वीडियो मैं अपलोड करूँगा, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास इसको प्लस स्लॉटिंग करवाना पड़ेगा, स्लॉटिंग कराने के बाद ही हम इसमें कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्लॉटिंग के लिए ऑलरेडी सुपरवाइज़र को बोल दिया गया है और सब सामान को रेडी कर रहे हैं लोग, रेडी करने के बाद से स्लॉटिंग हो जाएगा, फिर मैं आपको एक वीडियो अपलोड करूँगा अलाइनमेंट के ऊपर, जो इसका फ्रूट कपलिंग का अलाइनमेंट किस तरह से किया जाता है, फ्रूट कपलिंग टू मोटर का और कनेक्ट टू गियरबॉक्स, ठीक है दोस्तों। तो होप कि यह वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, अगर यह वीडियो आपको 1% भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। कमेंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आप अगर कमेंट कर रहे हैं तो हम समझेंगे कि हमारा यह वीडियो आप लोग तक पहुँच गया है, आप लोग देख रहे हैं, और जो भी इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमको टाइम मिलता है तो मैं आपको ज़रूर आपका आंसर का क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपका क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा। अभी मतलब कि देखिए, मतलब आप जस्ट कमेंट किए, जस्ट आप सोचे कि हमारा मैसेज का रिप्लाई नहीं मिला, तो प्लीज़ इसके लिए मैं थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लेट सेट आपको ज़रूर मैं मैसेज करूँगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को बिल्कुल ही स्किप ना करें और पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए ये फ्रूट कपलिंग
में मतलब किस तरह से अलाइनमेंट किया जाता है और इसको किस तरह से फिटअप किया जाता है और क्या क्या इसमें चेक करना पड़ता है, ठीक है ना। अलाइनमेंट पे तो वीडियो सब लोग बनाता है, लेकिन इस टाइप से वीडियो कोई नहीं बनाता होगा जो कि मैं आपको अभी बताया हूँ और जो पूरा परफेक्ट है वो सब कुछ मैं आपको दिखा दिया हूँ, ठीक है ना। और इंजीनियर से भी फाइंड आउट करके रखा हूँ कि इसमें स्लॉटिंग है, ये है, जो भी है, एग्रम विग्रम जो भी प्रॉब्लम आ रहा है सब मैं उसको समझा दिया हूँ। वो बोला जैसे आपको करना है सही करके मेरे को दे दो, ठीक है ना। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं अगला वीडियो फ्रूट कपलिंग के अलाइनमेंट के ऊपर में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉच।